माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। वेलकम अमर सर चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज आपके सामने ज्योमेट्री लेकर के आदित्य हाजिर है। आदि ने 11 वर्ष की उम्र में रीजनिंग की कमान संभाली थी और स्पेशली पजल सेक्शन में आपको इसने मदद किया था। फिर उसकी पढ़ाई, जबकि वो उस समय क्लास सिक्स में था, 2 years पहले, 11 years के एज में, पर उसकी रुचि बहुत बढ़िया रही है, बहुत ज़बरदस्त रही है, इसीलिए मैंने पजल सेक्शन में और रीजनिंग के कुछ सेक्शन में उसे मौका दिया था। वो बहुत दिनों से डिमांड कर रहा था कि उसे मैथमेटिक्स में आपको मदद करनी है और मैं रोक रहा था कि अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। ज्योमेट्री में उसकी रुचि है और बार बार मैं देखता हूँ, बातचीत होती है कि ज्योमेट्री सेक्शन में एसएससी रेलवे के स्टूडेंट को अच्छा खासा प्रॉब्लम होता है। पढ़ने में वो एक अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ाने में भी उसकी रुचि है, पढ़ने के अलावा वो वीडियो गेम खेलता रहता है। वीडियो गेम खेलने से ज़्यादा अच्छा है ना कि आपको हेल्प करे, और वो कहता भी रहा है कि मदद करेगा, मैं रोकता रहा था। अंत में मुझे लगा कि नया साल आने वाला है और इस नई मुहिम में जो मैंने शुरू किया है, ये भी आपको मदद करना जारी रखे। मैथमेटिक्स के एक सेक्शन में मैंने इसे मौका दिया है, वो है ज्योमेट्री, एसएससी और रेलवे के लिए ये आपको हेल्प करेगा। तो आइए आदि जी, आपका स्वागत है। वेलकम। ज्योमेट्री के इस वीडियो सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ज्योमेट्री एसएससी और रेलवेज के एग्जाम में आता है और बैंक पीओ और क्लर्क के मेन एग्जाम्स में भी आता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, देन एबी इज टू बीडी इज। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यह है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। ए बी सी, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ये ए बी सी मान लेते हैं। तो डी एक पॉइंट है बी सी पे सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी ए डी बी सी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बी सी के साथ ए डी डी, और ये जब ज्वाइन किया जाए तो 90 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। देन ए बी इज टू बी डी इज, ए बी इज टू बी डी, हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो हाइट होता है यानी परपेंडिकुलर, वो साइड को बाइसेक्ट करता है यानी हाफ बना देता है, और ये तीनों साइड्स इक्वल होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये साइड एक्स है तो ये होगा एक्स बाई टू, और दोनों का रेशियो ले लिया जाए तो देखिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 2:1, ठीक है। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड 6 सेंटीमीटर इज, तो इन सर्कल क्या होता है, तो एक सर्कल, इन सर्कल इससे हमें पता ही चल रहा है कि वो सर्कल ट्रायंगल के इनसाइड है, अंदर, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, ओके, ये है, और ये 3 पॉइंट्स पे सिर्फ मीट करेगा ट्रायंगल को। अब द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड 6 सेंटीमीटर इज, हमें
ये मान लेते हैं सेंटर है सर्कल का, तो ये रेडियस पता करना है, ये रेडियस पता करना है आर, और साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। यस, अब एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे सेंटर सेम होते हैं, यानी ऑर्थो सेंटर और सेंटरॉइड, सर्कम सेंटर और इन सर्कल के सेंटर, इन सेंटर सब सेम होता है। तो सारे सेंटर यही हुआ, यानी ये हाइट भी यही होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, हमें हाइट निकालना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट होता है √3/2 इंटू साइड, ये आया 3√3, ठीक है। अब हाइट तो हमें पता चल गया 3√3, तो अब रेडियस कैसे निकाले, तो ये यहां पे आया, तो ये 90 डिग्री हमने अभी जाना कि बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी ये मीडियन है। तो अगर यहां से एक मीडियन ड्रॉ किया जाए तो ये भी बाइसेक्ट करेगा, और यहां से किया जाए तो ये भी बाइसेक्ट करेगा। हाँ, तो मीडियंस का जो मीटिंग पॉइंट होता है वो सेम होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वो होता है सेंटरॉइड। तो हमें ये पता है कि सेंटरॉइड मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ये होगा 2 और ये होगा 1, हमें यही तो निकालना है 1, 2:1, यानी टोटल है 3 और टोटल ये है, तो 3 ना होके 3√3 है, तो 1 क्या होगा रेडियस, तो √3 आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी इज जी एंड एबी इक्वल्स 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ एजी इन सेंटीमीटर्स इज। तो इसमें भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, एबीसी, इसका सेंटरॉइड। अब सेंटरॉइड क्या होता है, तो जो मीडियंस का मीटिंग पॉइंट होता है उसे सेंटरॉइड कहते हैं। मीडियन क्या होता है, जो एक साइड पे एंगल 90 डिग्री ना, एंड एंगल कुछ भी हो सकता है, पर क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसमें 90 डिग्री बनाएगा, और वो साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, इक्वल टू इक्वल पार्ट्स में। तो ये है मीडियंस, इनका मीटिंग पॉइंट, ये है सेंटरॉइड, ये है जी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ए बी यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें निकालना है लेंथ ऑफ ए जी, ए जी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मीडियंस एक दूसरे को जब काटते हैं तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो ये लंबा वाला जो है वो होता है 2 और ये होता है 1, 2:1, हमें ये 2 निकालना है। ये दिया हुआ है, ये हाइट है, हाइट क्या होता है √3/2 इंटू साइड, √5, ये है 3, और हमें क्या निकालना है 2, सो 3 मीन्स 5√3, 1 मीन्स 5√3/3 एंड 2 मीन्स 5√3/3 इंटू 2, यानी 10√3/3, ये होगा आंसर। यहां से अलग है, ये आंसर आ गया 10√3। तो अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल बी ओ सी इक्वल्स 110 डिग्री, देन एंगल बी ए सी विल बी। तो ट्राइंगल ए बी सी है, ये नहीं पता कि वो किस तरह का ट्राइंगल है, कुछ भी हो सकता है, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं ए बी सी। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो मिड पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जिसपे अगर परपेंडिकुलर्स
अपोजिट साइड से अपोजिट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो वो जहां मीट करता है, जहां मीट करता है उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी ये है ऑर्थो सेंटर ओ, ठीक है। और बी ओ सी, एंगल बी ओ सी हमें पता है 110 डिग्री है, और बी ए सी निकालना है, यानी ये हमें पता है 110 डिग्री है और हमें निकालना है बी ए सी, यस। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये देखिए ऐसे, तो ये वाला भी हुआ 110 डिग्री, यस। ये हमें पता है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 110 है। ये क्वाड्रिलैटरल बन गया, ये देखिए ऐसे, जिसमें ये 90 है, ये 90 है और ये 110 है, हमें ये निकालना है क्वाड्रिलैटरल। अब हमें पता है क्वाड्रिलैटरल्स के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, तो इसका सम ये वाला एंगल कितना होगा, तो 360 माइनस इस सब का सम, तो 90 90 180, 360 माइनस 180 180 180 माइनस 110 यानी 70 डिग्री, सो आंसर इज 70 डिग्री। मुझे उम्मीद है ज्योमेट्री के इस सेशन से आपको मदद मिली होगी, और मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ और मुझे पता चला कि मुझे लगता है कि एसएससी और रेलवे के लोगों को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होता है, तो ज्योमेट्री मेरा फेवरेट सेक्शन है, तो मैंने सोचा कि मैं ज्योमेट्री में आपकी मदद करूँ। थैंक यू।